नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया है। मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर, जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ को थी, मेरठ में अनिल दुजाना और यूपी एसटीएफ का आमना सामना होता है, जिसके बाद दोनों की तरफ से फायरिंग होती है और अनिल दुजाना की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि अनिल दुजाना पर 18 मर्डर, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाने समेत 62 केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था और इसी गांव से अनिल दुजाना भी ताल्लुक रखता है। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में अनिल दुजाना को बंद भी किया गया था, लेकिन पिछले दिनों वो जमानत पर रिहा हो गया था, जिसके बाद फिर उसके खिलाफ शिकायत मिलना शुरू हुई थी। यूपीएसटीएफ की टीम लगातार अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही थी और अब अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है, दुजाना गांव का रहने वाला है अनिल दुजाना, जो कि एक शातिर गैंगस्टर है। इसका अपना अलग गैंग है। पहले ये सुंदर भाटी के लिए काम कर चुका है। इस पर हत्या, अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।